ड्राइवर ने हड़ताल कर दी तो ना तो एम्बुलेंस चलेगी, ना रिक्शा चलेगा, ना ऑटो चलेगा, ना बस चलेगी। तो इसलिए ड्राइवर भाई अपनी मांगों को मनवाने के लिए एक आंदोलन करेंगे। आज यहाँ पे ड्राइवर संघ दिवस मनाया जा रहा है, नेशनल ड्राइवर डे मनाया जा रहा है 1 सितंबर। हमने इस बात को सरकार के सामने भी रखा पर अभी तक सरकार ने हमारी कोई सुनवाई नहीं की है। हम चाहते हैं कि सरकार घोषणा करे और ये जो 1 सितंबर को ड्राइवर दिवस मनाया जाता है इसको सरकारी कैलेंडर में जो है कि करा जाए। मैं ये चाहती हूँ कि जो भी विकलांग ड्राइवर हैं उनको उनका हक दिया जाए, और जो भी जिस तरीके से फोरमैन जो ये बदतमीजियां करते हैं, जिस तरीके से लोगों को मारपीट करते हैं, उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो। बाकी हमारे ड्राइवर भाइयों के साथ बहुत नाइंसाफी होती है हर तरीके से। ड्राइवर जो है कि देश की रीढ़ की हड्डी है। हम ये चाहते हैं कि हमारे ड्राइवर भाइयों की जो भी मांगे हैं वो पूरी की जाए। आज से 4 महीने पहले भी मैंने अपनी मीडिया के सोशल मीडिया के माध्यम से ये कहा था, जो भी हमारे मंत्री जी हैं नितिन गडकरी जी हैं उनसे अपील करी थी कि हमारे ड्राइवरों की जो है मांगे पूरी की जाए, पर उन्होंने आज तक हमारी ना तो सुनवाई करी है और ना हमें मिलने का समय दिया है। अगर ये शोषण इस तरीके से चलता रहा तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि बहुत जल्दी बहुत बड़ा आंदोलन होगा हिंदुस्तान के अंदर ड्राइवर भाइयों का। 1 सितंबर की जो आपने मांग रखी है किसी कैलेंडर में स्थापित किया जाए या फिर इसको जगह दी जाए, अगर जगह नहीं दी जाती है भारत सरकार की ओर से तो आगे का आप लोग की रणनीति क्या होगी? क्या रणनीति होगी? आगे की रणनीति यही होगी कि हम लोग आंदोलन करेंगे और हम अपनी मांगों को मनवाएंगे। जैसे अभी सरकार को देख लीजिए, किसान आंदोलन में सरकार ने मांगे मानी पर 1.5-2 साल बाद मानी, पर आज भी पूरी तरीके से उन मांगों को जो है कि पूर्ण तरीके से नहीं माना गया है। पर हम ड्राइवर भाई जो कि देश की रीढ़ की हड्डी है, तो आप कहीं से भी ले लो, किसी भी फील्ड में ले लो, ड्राइवर के बिना कोई चीज इधर से उधर नहीं जा सकती। तो मेरा ये मानना है यदि ड्राइवर ने हड़ताल कर दी तो ना तो एम्बुलेंस चलेगी, ना रिक्शा चलेगा, ना ऑटो चलेगा, ना बस चलेगी। तो इसलिए ड्राइवर भाई अपनी मांगों को मनवाने के लिए एक आंदोलन करेंगे। मैं रजिया बानो, आज यहाँ पे ड्राइवर संघ दिवस मनाया जा रहा है, नेशनल ड्राइवर डे मनाया जा रहा है 1 सितंबर। हमने इस बात को सरकार के सामने भी रखा पर अभी तक सरकार ने हमारी कोई सुनवाई नहीं की है। हम चाहते हैं कि सरकार घोषणा करे और ये जो 1 सितंबर को ड्राइवर दिवस मनाया जाता है इसको सरकारी कैलेंडर में जो है कि करा जाए। मैं ये चाहती हूँ कि जो भी विकलांग ड्राइवर हैं उनको उनका हक दिया जाए, और जो भी जिस तरीके से फोरमैन जो ये बदतमीजियां करते हैं, जिस तरीके से लोगों को मारपीट करते हैं, उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो। बाकी हमारे ड्राइवर भाइयों के साथ बहुत नाइंसाफी होती है हर तरीके से। ड्राइवर जो है कि देश की रीढ़ की हड्डी है। हम ये चाहते हैं कि हमारे ड्राइवर भाइयों की जो भी मांगे हैं वो पूरी की जाए। धन्यवाद। आज जो ऑल ड्राइवर कल्याण संघ जो तावड़ू में आज इसका आयोजन हुआ है और एक जो विकलांग ड्राइवर हैं उनको सम्मानित किया गया है, क्या लगता है कि जितने भी ड्राइवर हैं उनका इसी तरीके से शोषण होता रहेगा या फिर इसके लिए मजबूती से कोई ठोस कदम उठाया जाएगा? देखिए, आज से 4 महीने पहले भी मैंने अपनी मीडिया के सोशल मीडिया के माध्यम से ये कहा था, जो भी हमारे मंत्री जी हैं नितिन गडकरी जी हैं उनसे अपील करी थी कि हमारे ड्राइवरों की जो है मांगे पूरी की जाए, पर उन्होंने आज तक हमारी ना तो सुनवाई करी है और ना हमें मिलने का समय दिया है। अगर ये शोषण इस तरीके से चलता रहा तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि बहुत जल्दी बहुत बड़ा आंदोलन होगा हिंदुस्तान के अंदर ड्राइवर भाइयों का। 1 सितंबर की जो आपने मांग रखी है किसी कैलेंडर में स्थापित किया जाए या फिर इसको जगह दी जाए, अगर जगह नहीं दी जाती है भारत सरकार की ओर से तो आगे का आप लोग की रणनीति क्या होगी? क्या रणनीति होगी? आगे की रणनीति यही होगी कि हम लोग आंदोलन करेंगे और हम अपनी मांगों को मनवाएंगे। जैसे अभी सरकार को देख लीजिए, किसान आंदोलन में सरकार ने मांगे मानी पर 1.5-2 साल बाद मानी, पर आज भी पूरी तरीके से उन मांगों को जो है कि पूर्ण तरीके से नहीं माना गया है। पर हम ड्राइवर भाई जो कि देश की रीढ़ की हड्डी है, तो आप कहीं से भी ले लो, किसी भी फील्ड में ले लो, ड्राइवर के बिना कोई चीज इधर से उधर नहीं जा सकती। तो मेरा ये मानना है यदि